हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मुंबई वाले सर। आज हम लोग बात करेंगे 11th ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस के बारे में। जैसे कि आप सबको पता है, आज 11th ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस का सेकंड राउंड का मेरिट लिस्ट लग चुका है। कुछ बच्चों को कॉलेज अलोकेट हो गए हैं, कुछ बच्चों के अभी भी मतलब सेकंड राउंड में भी कॉलेज अलोकेट नहीं हुए है। तो पहले बात कर लेते हैं, जिनको कॉलेज अलोकेट हो गए हैं उनको क्या करने का है। तो उनके पास दो ऑप्शन है, एक तो कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं, या अगर आपको अपने चॉइस का कॉलेज नहीं मिल रहा है, मतलब चॉइस का कॉलेज नहीं आया है, तो आप लोग वेट कर सकते हो थर्ड राउंड के लिए। तो अगर आपको सेम कॉलेजेस में एडमिशन लेने का है तो आपके पास 9 दिसंबर तक का टाइम है, मतलब आने वाले और 3-4 दिन आपके पास है, तब तक अपना एडमिशन वहां पे कंफर्म कर दीजिए। एडमिशन ऑनलाइन ही हो जाएगा, जिस कॉलेज में आपका नाम आया है उससे आप लोग कॉन्टैक्ट कर दीजिए, या कॉलेज वाले भी अभी कॉन्टैक्ट कर रहे हैं आपसे तो ऑनलाइन कॉन्टैक्ट हो रहा है, तो उसके जरिए आप लोग अपना एडमिशन का प्रोसेस उनके वेबसाइट में जाके फॉर्म फिलिंग वगैरह ये सब प्रोसेस कंप्लीट कर दीजिए, तो आपका एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। एट द सेम टाइम आपको कुछ नॉमिनल फीस जो रहेगा सेमिस्टर वाइज या फुल फीस जो जैसा कॉलेज कह रहा है वैसा आपको क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा आपका एडमिशन कन्फर्म। अगर आपको नहीं चाहिए तो आपको क्या करने का है, सिंपली आपको मतलब वो एडमिशन क्या करने का है, कैंसिल कर देने का है, तो आपको प्रोसीड फॉर एडमिशन नहीं करने का है। तो प्रोसीड फॉर एडमिशन करोगे तो आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। अभी बात कर लेते हैं, कुछ बच्चों के नाम नहीं आए हैं तो उनको टेंशन आया है कि अभी नाम नहीं आए तो आगे क्या होगा। तो जैसे कि गवर्नमेंट ने पहले ही बताया है कि थर्ड मेरिट लिस्ट भी लगने वाला है और उसके बाद स्पेशल राउंड भी होने वाले है। अभी तक उसका एग्जैक्टली टाइम टेबल नहीं आया है, लेकिन 10 तारीख के बाद, क्योंकि 9 तारीख तक तो सेकंड मेरिट लिस्ट का एडमिशन प्रोसेस रहेगा, देन उसके बाद ये सब चीजें हो सकती है। तो इसका मतलब क्लियर है कि आपके पास 9 दिसंबर तक का एक टाइमिंग है, फिर उसके बाद थर्ड मेरिट लिस्ट का एक टाइम टेबल आ सकता है। तो उस टाइम टेबल में जैसे बताया जाएगा वैसे आप लोग क्या कर सकते हो, थर्ड मेरिट लिस्ट के लिए क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, फिर अपने कॉलेजेस वगैरह जो रहेंगे उसके अकॉर्डिंग आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने इससे पहले वीडियोस में भी कहा है कि अपने पास इतने सीट्स अवेलेबल है 11th में, इतने स्टूडेंट्स भी नहीं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी नहीं मिलते, इतने नंबर ऑफ सीट्स हमारे यहाँ पे अवेलेबल है, तो हर एक को एडमिशन मिलेगा। बस डिफरेंस यही रहेगा कि कुछ लोगों को अभी सेकंड में लग गया है, कुछ लोगों को थर्ड में लग सकता है, या कुछ लोग स्पेशल राउंड तक जा सकते हैं। तो ये रहा डिटेल। दूसरी बात, यहाँ पे अगर आपका फर्स्ट प्रेफरेंस सेकंड मेरिट लिस्ट में भी अगर किसी का फर्स्ट प्रेफरेंस का कॉलेज लगा है तो उनको एक कंपलसरी एडमिशन यहाँ पे लेना पड़ेगा, क्योंकि कंपलसरी एडमिशन रहता है फर्स्ट अगर प्रेफरेंस रहा तो। अगर नीचे का कुछ है तो आप लोग के ऊपर डिपेंड है, अगर आप लोग प्रोसीड फॉर एडमिशन करके अपना एडमिशन कन्फर्म कर सकते हो, अदरवाइज वेट कर सकते हो थर्ड राउंड के लिए, और थर्ड राउंड में आप लोग देख सकते हो, या स्पेशल राउंड भी आने वाले है उसमें आप लोग देख सकते हो कि किस तरह से आपको कॉलेज अलोकेट हो रहा है। उसके बाद एक बात है कि जो ECDC का कैटेगरी था उसको ओपन में कन्वर्ट कर दिया था, इसके लिए बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन था, और बाकी भी इसके वजह से क्या हुआ है, थोड़ा सा ओपन के जो सीट्स थे वो ज्यादा मिल गए, मतलब ओपन के जो स्टूडेंट्स थे ओपन कैटेगरी में आ गए, तो इसके वजह से सीट्स थोड़े से उनको ज्यादा अवेलेबल हो गए हैं। तो जो ECDC के जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी याद रखने का है कि नेक्स्ट टाइम आप लोग जब भी फॉर्म फिल करोगे तो ओपन कैटेगरी से फिल करने का, जैसे अभी किया था, लेकिन उसके साथ साथ थोड़ा सा कॉलेज के हिसाब से भी देखिए, क्योंकि ECDC से अगर आप लोगों ने प्रीवियस दैट इज फर्स्ट मेरिट लिस्ट चेक किया रहेगा उसके अकॉर्डिंगली फॉर्म फिलिंग किया रहेगा तो शायद आपको सेकंड मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया रहेगा, तो ये पॉसिबिलिटीज हो सकती है। तो अभी जब भी आप लोग थर्ड के लिए आप लोग ट्राई करोगे या बाकी कैटेगरी के भी जो स्टूडेंट्स ट्राई करेंगे तो एक बार कॉलेजेस में कितने सीट्स अवेलेबल है ये सब चीजें अच्छी तरह से चेक करिए, क्योंकि कुछ कैटेगरी के सीट्स पहले ही कंप्लीट हो जाते हैं और हम लोग अप्लाई करेंगे तो उसका कुछ मीनिंग नहीं बनता, आपको वहां पे एडमिशन नहीं मिल सकता। तो ये कुछ पॉइंट्स है वो आपको अच्छी तरह से याद रखने के, जिनका एडमिशन प्रोसेस में नाम आ गया है एडमिशन कंप्लीट कर दीजिए, 9 दिसंबर तक आपके पास टाइम है। जिनका नहीं आया है थर्ड मेरिट लिस्ट के लिए वेट करना पड़ेगा, शायद 10 तारीख के बाद ही इसका एडमिशन का फॉर्म फिलिंग वगैरह कंप्लीट हो सकता है, मतलब स्टार्ट हो सकता है, तभी आप लोग को बताया जाएगा, हमारे चैनल पे उसका इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। और एक इंपॉर्टेंट बात, चैनल पे फर्स्ट बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारा जो टेलीग्राम अकाउंट है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको भी फॉलो कर दीजिए, ताकि आपको हर एक एजुकेशनल अपडेट वगैरह रहेगा, करियर रिलेटेड वीडियोस रहेगा वो हमेशा आपको मिलता रहेगा, और 11th एडमिशन से रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चंस रहेंगे उनका सॉल्यूशन भी आपको टेलीग्राम के मेरा जो चैनल है वहां पे आपको मिल जाएगा, तो उन सबका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो बस बच्चा बेटी आज के लिए इतना ही रहेगा, थैंक यू।